वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, आपका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज का जो ब्लॉग होने वाला है एकदम बढ़िया होने वाला दोस्तों। आपने सुना होगा चार धाम की यात्रा, तो यो हम रह रहे हैं दोस्तों जोखाड़ा के अंदर रह रहे हैं बिलासपुर जिले में, और दोस्तों यहीं पे है चौथा धाम, वहाँ पर आज जाएंगे हम दोस्तों दर्शन करने। आज 13 बैसाखी वहाँ मेला लगेगा दोस्तों, आपको भी इन्जॉय कराएंगे, बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। पहले चाय पी लेते हैं फिर तैयार तूर होकर एकदम चलते हैं, आपको भी साथ में लेके चलेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, चाय आ गई हमारी और अब चाय पी लेते हैं फिर तैयार होंगे दोस्तों, फिर चलेंगे मेला देखने की, फिर जाएंगे दोस्तों मेला देखने, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। चलिए पहले चाय पी लेते हैं दोस्तों। शाम के बज चुके हैं 3:30 और हम दोस्तों आज लेट हो गए हैं क्योंकि हमने अपना आधार कार्ड जो है अपडेट कराया दोस्तों, काफ़ी टाइम लग गया। अब जाएंगे मेला क्योंकि तैयार तूर हो गए, देख सकते हो आप, ये भी जाएंगे हमारे साथ। चलिए चलते हैं आगे की साइड, आपको रास्ते में भी दिखाएंगे क्या क्या पड़ता है क्या क्या नहीं। चलिए शुरू कर
ये दोस्तों मेन गेट है मंदिर का, देख सकते हो आप, यहाँ से एंट्री है दोस्तों। बस भी आती है दोस्तों, यहाँ बस से भी आ सकते हो आप। बाकी अंदर का व्यू दिखा देंगे दोस्तों। ये दोस्तों स्नान घर है, यहाँ से जल निकलता है और पार्क एकदम शुद्ध जल है दोस्तों। यहाँ यात्री बड़ी बड़ी दूर से आते हैं नहाने के लिए, देख सकते हो आप पूरा एरिया। बाकी दोस्तों ये मंदिर का एरिया ऊपर का है, ये दोस्तों व्यू। बाकी आपको अंदर भी लेके चलेंगे, सामने वो मंदिर है दोस्तों, मेन मंदिर जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है सिंदूरी कलर में दोस्तों। यहाँ ये देखो दोस्तों, ये कमरे भी मिलते हैं रेंट पर, आकर आप लेना चाहो यहाँ पे आके रह सकते हो, दूर से जब यात्रा करने आओ आप। ये दोस्तों मेन मंदिर जो लाल वाला आप देख रहे हो, ये दोस्तों यहाँ पर मत्था मुत्था टेकते हैं। और यहाँ दोस्तों वो जगह जहाँ कहते हैं जमराज भी कहते हैं, पराजित होके गए थे भोलेनाथ जी से, देख सकते हो आप। बाकी दोस्तों ये राम जी का मंदिर है दोस्तों, आगे की साइड चलते हैं दोस्तों, देख सकते हो आप पूरी ग्रिल लगी हुई है। और परे भी दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ ज्योतिर्लिंग है दोस्तों यहाँ पे आपको सभी तरह के ज्योतिर्लिंग दिखाई देंगे आपको, देख सकते हैं। एक ऊपर भी मंदिर है, ऊपर बाद में जाएंगे, पहले इधर चलते हैं दोस्तों आगे की साइड। यहाँ से दोस्तों जाएंगे पौड़ियों से, चप्पल शप्पल हमने निकाल दिए दोस्तों। ज्योतिर्लिंग है, आपको नाम देखते रहेंगे, पढ़ते रहना आप दोस्तों, सभी तरह के मतलब ज्योतिर्लिंग है। जहाँ जहाँ स्थान है भोलेनाथ जी का केदारनाथ, और बाकी दोस्तों देख सकते हो सभी ज्योतिर्लिंग है जितने मतलब है विराजमान। मेरे को गिनती तो नहीं दोस्तों, मैंने गिनती नहीं की थी, आपको खाली नाम दिखा रहा हूँ। नीचे का कहते शिवलिंग बनी हुई है, वो देख सकते हो आप। बाकी देखना सोमनाथ महादेव है जी। बाकी आप इधर को भी दिखाएंगे, इधर भी है सभी के नाम दोस्तों, बाकायदा साहब को देखे दिखाएंगे, अब पढ़ लेना दोस्तों, देख सकते हो आप। और आगे भी है दोस्तों ये रामेश्वर। बाकी दोस्तों जितने ज्योतिर्लिंग हैं सभी हैं यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हो आप। ये चौथा धाम है दोस्तों, यहाँ बहुत मान्यता होती है सभी की तरह, मतलब सभी जगह से यात्री आते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों प्राचीन मंदिर है मेरे को शायद लगता है। यहाँ दोस्तों देखना आप, एकदम अलग ही शिवलिंग मिलेगी अंदर। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ मना कर रहे थे, मगर फिर भी हमने थोड़ा सा बना लिया था, बाद में मना कर दिया था हमको। ये दोस्तों अंदर देख सकते हो आप शिवलिंग। बाकी दोस्तों इधर कुछ एरिया पुराना ही है दोस्तों, पेंट पुंट निकला हुआ दोस्तों। हमारे को यहाँ टेंपल दिखाई दिया, ये पता नहीं टेंपल है ये रास्ता है दोस्तों, देखते हैं आगे चल के। हमें भी दोस्तों पहली बार आए, हमारे को दिखी तो हमने सोचा कि घूम चलते हैं यहाँ पर, देख सकते दोस्तों। मेरे को लगता नहीं है दोस्तों ये गुफाएं रास्ता कहीं जाने के लिए, देख सकते हो पहाड़ी एरिया में। ये दोस्तों देखो इधर, मैंने सोचा मंदिर है, मंदिर नहीं दोस्तों, को वैसे ही रखा हुआ किसी ने पार्किंग पोर्किंग के लिए। तो यात्रा करके घर को जा रहे हैं, और मैंने आपको बताना भूल गया था दोस्तों, क्योंकि वहाँ दोस्तों ज़्यादा भीड़ थी, तो अब इसीलिए हमने ब्लॉग ढंग से नहीं बनाया। जितना ही बनाया तो आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक होगा, आप इंजॉय ले सकते हो यात्रा, आप देख सकते हो दोस्तों। वहाँ में हमने जो मेन मेन चीज़ है सब कवर की है ब्लॉग में दोस्तों, हमने एंट्री से लेके मंदिर तक दोस्तों, जिसमें ज्योतिर्लिंग भी है शिवलिंग है, उसको आप देख सकते हो। बाकी आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।